हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और वेटेजफुल चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से शुरू करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन आवर बॉडी इज सेल। बहुत सारे सेल अगर कंबाइन हो जाए, जिनका ओरिजिन सिमिलर है, जिनका फंक्शन सिमिलर है, तो वो फॉर्म करते हैं ग्रुप ऑफ सेल, और ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं टिश्यू। फिर टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑर्गन। हमारे बॉडी में ऐसे कई अलग अलग टाइप के ऑर्गन हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर एक ऑर्गन है जिसे हम हार्ट कहते हैं, यहाँ पर लंग्स हैं, यहाँ पर पैनक्रियाज है, फिर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किडनीज है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। दीज ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस कंडीशन ऑफ द बॉडी। हाँ, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि सभी ऑर्गन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट। तो ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेट ईच अदर। ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट ईच अदर फॉर व्हाट? ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट ईच अदर टू मेंटेन होमियोस्टैटिस कंडीशन ऑफ द बॉडी, और होमियोस्टैटिक भी कह सकते हैं। होमियोस्टैटिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये सभी ऑर्गन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, इनको एक दूसरे की बहुत लगती है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऑर्गन ज्यादा फास्ट फंक्शन परफॉर्म करता है तो बाकी ऑर्गन उसकी तरफ देखते हैं कि क्यों भाई तू फास्ट फंक्शन परफॉर्म क्यों कर रहे। वो दूसरे ऑर्गन भी अपने आप में चेंजेस लाते हैं। एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में दिया है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप सपोज कीजिए कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ग्राउंड पर आप एकदम तेजी से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपका सांस खुलेगा, आपके लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेंगे, लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो किडनी भी स्पीड में फंक्शन परफॉर्म करेगी, पैनक्रियाज स्पीड फंक्शन परफॉर्म करेंगे, आपकी स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स हैं जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट ग्लैंड, वो ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज के लिए सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो गए, अपना फंक्शन स्पीड अप कर दिए, फास्ट फंक्शन परफॉर्म करने लगे। अब आपका खेलना बंद हो गया, आप स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गए, आप बैठ गए, तो ये सभी ऑर्गन लंग्स, हार्ट, किडनी, पैनक्रियास, स्वेट ग्लैंड, ये धीरे 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 नॉर्मल हो जाएंगे और अपनी स्टेडी स्टेट के अंदर आ जाएंगे। सो ऑल द ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट ईच अदर। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ऑर्गन को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में मजबूर करता है? याद रखिए, हमारे बॉडी में ऐसे दो सिस्टम है। कितने सिस्टम है? दो सिस्टम जो एक दूसरे को, मतलब ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करने पे मजबूर कर देते हैं। हमारे बॉडी में पहला सिस्टम होता है न्यूरल सिस्टम और दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, याद रखिएगा कि दोनों सिस्टम सभी ऑर्गन को सिंक्रोनाइज फंक्शन परफॉर्म करने पर मजबूर कर देते हैं। कैसा फंक्शन? सिंक्रोनाइज। सो दिस टू सिस्टम सिंक्रोनाइज एंड कोऑर्डिनेट द ऑर्गन्स विद ईच अदर। अब ये दोनों सिस्टम मेजर सिस्टम है, हम ब्रॉड ब्रॉड डिफरेंस पहले देख लेते हैं। न्यूरल सिस्टम ये फास्ट सिस्टम होता है, यानी इंपल्सेस एकदम तेजी से कंडक्ट होते हैं। एकदम तेजी से कंडक्ट होने वाले इंपल्स का एक छोटा सा एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जांपल, आपके हाथ पे मच्छर बैठा, मॉस्किटो, मच्छर ने आपको काटा, एकदम स्पीड में मैसेज गया सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मच्छर ने कहां काटा? हाथ पर। मैसेज कहां गया? सीएनएस पर। हाथ से मैसेज गया सीएनएस पर, कौन से सेल में लेकर गया? आफ्रंट
न्यूरल सेल, कौन सा न्यूरल सेल, आफ्रंट न्यूरल सेल, हमारा सीएनएस दूसरे हब को मैसेज पहुंचाएगा, दूसरे सीएनएस से मैसेज गया टिश्यू लेवल पर, सीएनएस से मैसेज गया ऑर्गन लेवल तक, किसने लेकर गया, इफ्रंट न्यूरल सेल। और जैसी ये एकदम क्विक एक्शन होती है, दूसरा हाथ पहले हाथ पर मच्छर को खत्म कर देगा, तो दिस इज कॉल्ड एज फास्ट एक्शन, वेरी क्विक एक्शन। सो न्यूरल सिस्टम इज अ वेरी फास्ट सिस्टम, हाउएवर एंडोक्राइन सिस्टम इज अ स्लो सिस्टम, और यू कैन से दैट एंडोक्राइन सिस्टम इज स्लोअर एज कंपेयर टू द न्यूरल सिस्टम। इन केस ऑफ न्यूरल सिस्टम देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। हमारे बॉडी के अंदर न्यूरल सेल हर जगह पर प्रेजेंट है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ, डेंड्राइट एक्सॉन से जुड़ा हुआ, एक्सॉन टर्मिनल एंड बल्ब से जुड़ा हुआ, सो दीज आर कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। न्यूरल सिस्टम इज मीन्ड फॉर फास्ट सिस्टम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक सिस्टम। इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इट इज स्लो, व्हाई इट इज स्लो, बिकॉज इन आवर बॉडी मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूस द केमिकल विच आर कॉल्ड एज हार्मोन, एंड एक्शन ऑफ हार्मोन इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, देयरफॉर द केमिकल्स दैट इज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। सो दीज आर द टू मेजर सिस्टम विच सिंक्रोनाइज आवर बॉडी, एंड दीज टू सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट ऑल द ऑर्गन्स विद ईच अदर। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि हमारे बॉडी में दो मेन सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम को कलेक्टिवली मिला करके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ये दोनों सिस्टम हमारे बॉडी में ऑर्गन को सिंक्रोनाइज स्टेट में एक्टिवेट करने की हेल्प करते हैं। इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम स्टडी करेंगे। पहले हम लोगों को ये बेसिक जान लेना चाहिए कि मोस्ट प्रीमेटिव न्यूरल सिस्टम, मोस्ट प्रीमेटिव, प्रीमेटिव यानी ओल्ड टाइप का, सबसे ओल्डेस्ट न्यूरल सिस्टम कोएलेन क्रेटा में डेवलप किया गया, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, तो हाइड्रा इज अ मेंबर ऑफ कोएलेन क्रेटा। इन दिस हाइड्रा सम नर्व सेल और न्यूरॉन सेल आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर एंड दे विल फॉर्म अ स्मॉल और सिंपल नेटवर्क। दिस सिंपल नेटवर्क of the neural cell is known as plexuses, or the single network is called as plexus. Secondly, फिर nervous system थोड़ा सा better adapt हुआ, थोड़ा सा better develop हुआ insects में, invertebrates में, for example in case of cockroach, we know that in cockroach supraganglionic nerve and infraganglionic nerves are present, a very small, less developed, but brain is also present. Mostly or highly evolved nervous system has been developed in the vertebrates. जितने भी animals हैं, सभी animal में highly developed nervous system present है। हम इस chapter में human nervous system का study करेंगे। So let us talk about the nervous system or neural system in the humans. In human, nervous system consisting on two parts. The first part of the nervous system is known as central nervous system. CNS ka full form, central nervous system. And second type or second part in the nervous system is peripheral nervous system. Peripheral nervous system and central nervous system. CNS consisting again on the two part. The first part is brain and second part is spinal cord. Brain is located inside the bony cavity. That bony cavity is known as skull. For example, this head bone is known as skull. In this skull, brain is present. So suppose कीजिए कि this is brain which is located inside the skull. Now continue with the brain. A rope-like structure is arises. This rope-like structure is known as
स्पाइनल कॉर्ड. दिस स्पाइनल कॉर्ड इज मूविंग थ्रू द पाथवे ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. दिस वर्टिब्रल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन अवर बैकबोन. सो दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीएनएस और सीएनएस. सेकंड पार्ट इज पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑन मैनी न्यूरोन सेल्स. दीज न्यूरोन सेल्स आर एसोसिएटेड विद सीएनएस. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स अराइज होती हैं. ये नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है. ये नर्व्स बॉडी के हर पार्ट तक जाकर पहुंचेगी, मतलब हमारे फिंगर टिप्स तक के या फिर डाउन मोस्ट पार्ट तक के, और फिर वहां से मैसेज सिग्नल पास करेगी सीएनएस तक. सीएनएस फिर वापस स्टिमुलाई पास करेगा एन पॉइंट ऑफ अवर बॉडी तक. सो दिस विल फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर से दो बायफर्केशन है. इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सपोज दिस इज सीएनएस एंड दीज आर द बॉडी ऑर्गन्स. If message is transported from CNS to the skeletal muscle, skeletal muscles are also called as voluntary muscle. So if message are passing from CNS to skeletal muscle or message get back from skeletal muscle to CNS, this is called as somatic peripheral nervous system. Second type is autonomous nervous system, which is a type of PNS, that is peripheral nervous system. In autonomous nervous system, message are passing between CNS to the smooth muscles or involuntary muscle or visceral muscles, because visceral muscles are involuntary muscle. So this type of peripheral nervous system is known as autonomous nervous system or autonomic nervous type of system. Visceral nervous system consisting on many ganglion cells, they are consisting on many nerve cell, they are consisting on different type of plexuses and fibers, that is nerve fiber. So this is all about the broad level classification of the nervous system. Again we are revising this slide. Nervous system of human mainly classify into two types: central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system are of two types, brain and spinal cord. Brain is located inside the bony cavity, which is called as skull. Continue with the brain, a narrow, long, elongated rope-like structure is called as spinal cord. Spinal cord is passing through the vertebral column, which are located in the backbone. Second part of the nervous system is peripheral nervous system. This nervous system consisting on many nerve cell, but these nerve cell are directly or indirectly associated with central nervous system. Central nervous system se message jayega skeletal tak, skeletal se message jayega CNS tak. This is called as somatic nervous system. Autonomic nervous system, message are passing from CNS to smooth muscle, visceral muscles or involuntary muscle. So this is all about the broad level classification of nervous system.